फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक डाउट था जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों का वो डाउट क्लियर करूंगा, और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जानते हों और उसमें से कुछ लोग नहीं भी जानते। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूं, और आज की वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है क्योंकि मैं आपके एक छोटे से डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और मैं उस वीडियो को आप लोगों को टॉपिक बता देना चाहता हूँ। तो उस वीडियो का टॉपिक है कि क्या जो है हम अपने YouTube वीडियो में जो इंड स्क्रीन लगाते हैं, क्या उसका वॉच टाइम काउंट होता है या नहीं होता। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को इसमें भी सस्पेंस है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही बातें शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग बने रहेगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में सब पाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाइए और फटाफट से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए, और कोई भी अगर आपका सवाल हो यूट्यूब से रिलेटेड तो आप लोग मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों का सवाल था कि अगर हम अपने किसी भी YouTube वीडियो में इंड स्क्रीन लगाते हैं, और अगर आपको ये भी नहीं पता कि इंड स्क्रीन क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर कर दूंगा। और इंड स्क्रीन किस प्रकार से लगाया जाता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोग मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कई सारे लोगों का सवाल था कि जो हम इस अपने चैनल पर अपने किसी भी YouTube वीडियो में अंत में जो है इंड स्क्रीन लगाते हैं तो क्या उसका वॉच टाइम काउंट होता है या नहीं होता। मान लीजिए उस इंड स्क्रीन पर क्लिक करके कोई उस वीडियो देख लेता है तो क्या उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता है या नहीं होता है, यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं उसके व्यूज़ और वॉच टाइम हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का वो वॉच टाइम पूरी तरीके से काउंट होता है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये चीज़ें आप लोगों के मन में कैसे आ जाती है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि अब इंड स्क्रीन में लगाएंगे तो वो वॉच टाइम काउंट होगा ही ना। तो अब क्या होगा वहाँ पर, कोई आप बाहर से थोड़ी व्यूज़ ला रहे हैं कि आपका मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसमें, आप यूट्यूब वीडियो में अपने वीडियो के पीछे उसको लगा रहे हैं, यानी कि दूसरी वीडियो लगा रहे हैं। आप कह दीजिए कि जो आई कार्ड लगाते हैं उसका भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ कि आई कार्ड जो आप कार्ड लगाते हैं और जो इंड स्क्रीन लगाते हैं उसका भी वॉच टाइम काउंट होता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है कि आपका जो इंड स्क्रीन आप जो लगाते हैं उसका वॉच टाइम और कार्ड का भी, यानी कि आई कार्ड जो आप लगाते हैं अपने वीडियो के ऊपर उसका भी वॉच टाइम काउंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग जो है एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं और कार्ड भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इसीलिए तो लगाते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही है उसमें मैं अगर एंड स्क्रीन लगा दूंगा तो दूसरे वीडियो में भी कुछ ना कुछ व्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, उसका भी वॉच टाइम मेरा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो सारे लोग लगाते हैं। तो आप लोगों को भी इंड स्क्रीन लगाना चाहिए और कार्ड भी लगाना चाहिए। ठीक है, जो कि वीडियो में कार्ड के रूप में आता है। ठीक है, तो मेरी कई सारी वीडियो में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर हर वीडियो की लिंक कार्ड के रूप में आती है, और इंड स्क्रीन भी मैं अब लगाने लगा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस प्रकार के सवाल अब जो है आप लोग मुझसे नहीं करेंगे और किसी भी यूट्यूबर से नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग मुझे जाकर डायरेक्टली वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।